गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग की हाल चाल जी। वधिया, सारे एकदम तंदुरुस्त हो? फैमिली में सारे बढ़िया हैं? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया। सर आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। अच्छा, आप जितने प्रोफेशनल के बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपके मतलब ये लगा लो अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। बच्चा कह रहा है अनाउंसमेंट बढ़िया, तो आप अपने आप बोल रहे हो ना, हमें अच्छी लगेगी तब कहेंगे ना बढ़िया है। अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ कि आपने ना आज की वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में हर बच्चे की पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप चाहते हो कि इनकम टैक्स में, कस्टम में और जीएसटी में जिस जिस चैप्टर की रिविजन आप चाहते हो, ऐसा मत बोल देना कि सर सारा ही जीएसटी रिवाइज करवा दो, सारा ही इनकम टैक्स रिवाइज करवा दो, सारा ही कस्टम रिवाइज कर दो। आप सब जानते हो उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं और क्वेश्चन को हम लाइटली ले नहीं सकते सर। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होते नहीं, और अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। बट मैं चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जो आप मुझे बताओ कि सर ये चैप्टर है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है, इसके आप रिविजन करा दो। अब जहां पे दिक्कत मेजोरिटी बच्चों की होगी ना, उस चैप्टर की फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा हम रिविजन कब करेंगे जी। आपने इनकम टैक्स के, आपने तीन हेडिंग बनानी है, इनकम टैक्स के ये चैप्टर, जीएसटी के ये चैप्टर और कस्टम के ये चैप्टर। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी नहीं, ये देखो नालायक कई बच्चे हैं चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। चैट बॉक्स में लिखने को नहीं बोला सर, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो खत्म होने के बाद सब बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनकम टैक्स और जीएसटी के, कस्टम के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, उसकी मैं रिवीजन क्लास डाल दूंगा जी, अनाउंसमेंट करूंगा। रिवीजन क्लास कब से करेंगे प्लीज आपने मुझे बताना है, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपको किसमें दिक्कत आ रही है, उसके बेस पर हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जहां ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम मैं सारी मैं सोल्व कर दूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, मैंने कहा था मैं रिवीजन भी करा दूंगा, बट एक बार प्लीज आपने मुझे बताना है कौन कौन से टॉपिक के रिवीजन आपको चाहिए, ताकि तसल्ली से बहुत बढ़िया तरीके से उसकी रिवीजन मैं करवा दूं जी। ठीक है जी, तो आपका टारगेट क्या है, आज वीडियो खत्म होने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और इवन हर बच्चे को, जितने भी दोस्त आपके हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट दरबार नहीं भी देख रहे, चाहे मुझसे नहीं भी पढ़े, उनको पकड़ पकड़ के खींच के लेके आना, चल भाई अपने चैप्टर भी लिख, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी फैमिली के मेजर बच्चे किस चैप्टर में दिक्कत करते हैं, और उसको मैं फिर अच्छे ढंग से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर अब आया ना मजा, अब थैंक यू बोलेंगे। आपको थैंक यू नहीं बोलना, पहले चैप्टर बताने हैं, जब मैं रिवीजन करवा दूंगा और रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर मुझे थैंक यू बोलना। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 28 आज हमें स्टार्ट करना है, और आज पता है हमें क्या करना है, लास्ट क्लास में आईटीसी वाला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, आईटीसी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, प्रोविजन बेस भी, प्रैक्टिकल बेस भी, जो भी हमारे आईसीएसए के प्रैक्टिस मैनुअल में थे वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि एक चैप्टर नंबर 2 हमारा बैलेंस बचा हुआ था, आपको मैंने कहा था कि हमारे प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर नंबर 2 हमारा बैलेंस बचा था, उस चैप्टर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे थे, आज वो हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और आज वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ना, फिर प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट आपने मुझे एक काम जरूर बताना है, चैप्टर जिसकी मुझे रिवीजन करानी है उसके बेस पे ही मैं शेड्यूल बनाऊंगा, उसके बेस पे देखूंगा कि मुझे क्वेश्चन कब कराने हैं और रिवीजन मुझे कब करवानी है। ठीक है, आओ जी सेशन स्टार्ट करते हैं, अब बातचीत नहीं करनी है, अब सारा दिमाग होगा सेशन के ऊपर, पहले सेशन सुन लो आराम से, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उसके बाद फिर आराम से वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। इधर देखो ध्यान से जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 तक ना, क्वेश्चन नंबर 13 तक, यहां तक तो हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14 से हमारे क्वेश्चन बैलेंस बचे थे। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कितना बड़ा है। अब अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, पहली बात तो आधे बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो सोल्व ही नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है, एक बार चेक करना जी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना स्टार्ट करो, पहले बातें करोगे या पहले क्वेश्चन पढ़ोगे? मैंने कहा ना पहले एक बार सेशन देख लो, सही ढंग से देख लो सर, एग्जाम में क्वेश्चन बन गए फिर आप याद करोगे सर ने क्वेश्चन करवाए थे ये वाले। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 ये बात कह रहा है, मिस्टर श्याम आहूजा एन अनरजिस्टर्ड फेमस एक्टर रिसीव्ड ₹3 करोड़ ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम हर्षिव पब्लिकेशन लोकेटेड इन इंदौर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट कवर अंडर सेक्शन 13(1)A ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 relating to the original literary work to his work his new book
ही फिनिश हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द बुक टू द पब्लिशर बट हैज येट नोट रेज द इनवॉइस. मिस्टर श्याम आहूजा इज ऑफ द व्यू दैट HSP इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाई हिम. HSP डज नॉट कंकर विद हिज व्यू एंड इज नॉट रेडी टू डिपोजिट द टैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसिस. पहले यहां तक क्वेश्चन समझो, यहां तक क्वेश्चन क्या है. यहां तक क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, मिस्टर श्याम आहूजा एक बुक के राइटर हैं, उन्होंने अपना कॉपीराइट जो है HSP पब्लिशर को दिया. अब HSP पब्लिशर जो है उनकी बुक प्रिंट करेगा, कॉपीराइट उसके पास है. अब मिस्टर श्याम कह रहे हैं कि जो मुझे 3 करोड़ रुपए पैसे मिले ना, जो मुझे 3 करोड़ रुपए मिले उस पे GST मैं पे नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ पर GST रिसीवर पे करेगा क्योंकि कॉपीराइट की सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में कवर है. याद करो रिवर्स चार्ज में, सर रिवर्स चार्ज में ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में पब्लिशर GST पे करता है, रिवर्स चार्ज में कवर है. पब्लिशर कह रहा है मैं नहीं मानता जी, पब्लिशर कह रहा है मिस्टर श्याम गलत कह रहा है, मैं GST पे नहीं करूंगा, मिस्टर श्याम ही GST पे करेगा, मैं GST पे नहीं करूंगा. आगे देखो फिर क्या लिखा है. एग्जामिन, वो कह रहा है आपको कह रहा है जी एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर श्याम आहूजा इज करेक्ट, क्या मिस्टर श्याम सही बोल रहे हैं. फर्दर इफ द व्यू ऑफ मिस्टर श्याम आहूजा इज करेक्ट वट इज द रिकोर्स अवेलेबल विद मिस्टर श्याम आहूजा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ GST लॉ एज HSP हैज कंप्लीटली रिफ्यूज टू डिपोजिट द टैक्स. पहली बात तो क्या मिस्टर श्याम सही कह रहे हैं. अगर मिस्टर श्याम सही कह रहे हैं, अगर मिस्टर श्याम सही कह रहा है तो एज पर GST लॉ उसे क्या मतलब कंप्लाइंस पूरे करने चाहिए, क्योंकि मिस्टर HSP जो है मतलब पब्लिशर जो है वो कंप्लीटली डिनाई कर चुका है GST पे करने से. अब मिस्टर श्याम क्या करेगा, याद आ रही है अमेंडमेंट क्लास, याद करो सर याद करो. ये इवन इस बार के अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट अमेंडमेंट है, लास्ट मतलब मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट है. वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑथर टू पब्लिशर वाला केस होगा तो पहले रिवर्स चार्ज था, अब रिवर्स चार्ज भी और फॉरवर्ड चार्ज भी है. याद करो सर, ऑथर टू पब्लिशर वाली एंट्री मैंने जो नॉर्मल एंट्री थी वहां से हटाकर एक अलग एंट्री क्रिएट हो चुकी है. और ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कुमार विश्वास का. अब जो कुमार विश्वास है वो बुक भी लिखते हैं और वो कविता भी गाते हैं. अब वो बुक भी लिखते हैं कविता भी गाते हैं, तो वो ये कई बार बोलते हैं जी कोई बात नहीं, अगर वो रिसीवर GST पे नहीं कर रहा मैं GST पे कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब जब 100% रिवर्स चार्ज था तो कुमार विश्वास GST पे करने के लायबल नहीं थे, उनका पब्लिशर जो था वो GST पे करने के लायबल था. अब जब लॉ में ही लिख दिया गया है कि अगर किसी केस में रिसीवर GST पे नहीं कर रहा उस केस में सप्लायर भी GST पे कर सकता है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी है, तो क्या अगर यहां पे HSP पब्लिशर GST पे नहीं कर रहा, क्या HSP पब्लिशर अगर GST पे नहीं कर रहा, क्या इस ट्रांजेक्शन पर GST जाएगा ही नहीं या मिस्टर श्याम को पे करना पड़ेगा. मिस्टर श्याम को पे करना पड़ेगा और यस मिस्टर श्याम पे कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर. बट हाँ, अगर मिस्टर श्याम GST पे करेगा ना तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन उसको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बेस पे वो GST पे कर देगा. तो सबसे पहला एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि जो मिस्टर श्याम ये बात कह रहा है कि HSP GST पे करेगा, मैं GST पे नहीं करूंगा, क्या ये श्याम सही कह रहा है. बिल्कुल 100% सही कह रहा है, क्योंकि नॉर्मल लॉ ये बात कहता है कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज लगेगा. मिस्टर श्याम कहीं गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि रिसीवर GST पे करेगा. बट जब अब रिसीवर मना ही कर चुका है कि वो GST पे नहीं करेगा तो क्या श्याम पे कर सकता है, आंसर इज यस पे कर सकता है. बट उसके लिए शाम को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शाम को GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि इस केस में मैं GST पे करूंगा क्योंकि HSP GST पे नहीं कर रहा, और फिर उसको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. देखो जी यहां पर पहली बात तो बिल्कुल जी यस द वे ऑफ मिस्टर श्याम इज करेक्ट, GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग एंड परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट. ये सारी बातें आगे लिखी हैं HSP. However, since HSP has completely refused to deposit the tax on given transaction, Mr. Shyam Ahuja as an option to pay tax under forward charge on the same. Mr. Shyam के पास option है कि forward charge में वो GST pay कर सकता है. अब फिर देखो जी, उसको following condition satisfied करनी पड़ेंगी. पहली condition क्या लिखी है कि भैया वो unregistered है, क्या करवाना पड़ेगा, registration. उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मैं अब फॉरवर्ड चार्ज में GST पे करूंगा और सारे कंप्लाइंस मैं फुलफिल करूंगा जी, और फिर उसको बाद में इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना. तो ये सारी बातें मिस्टर श्याम अगर फुलफिल करेगा तो मिस्टर श्याम भी GST पे कर सकता है.
अब एक बच्चा बैठा है, क्या नाम आपका? यतिन। यतिन कहता है सर, बट क्लास में तो आपने हमें कहा था कि कॉपीराइट वाले केस में रिवर्स चार्ज लगता है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, कॉपीराइट वाले केस में यस रिवर्स चार्ज लगता है, बट वो हर केस में नहीं। याद करो, एक तो होता है म्यूजिक कंपोजर। अगर मैंने कोई म्यूजिक बनाया, उसका मैंने कॉपीराइट दिया, उस केस में 100% रिवर्स चार्ज है। बट ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में पहले 100% रिवर्स चार्ज था। अभी लास्ट टू लास्ट 6 मंथ पहले अमेंडमेंट आई थी, जो अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस भी की थी, जो क्लास में भी डिस्कस की थी मैंने, कि पहले 100% रिवर्स चार्ज था, अब रिवर्स चार्ज भी है और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी है। तो अगर एग्जाम में ऐसा नहीं है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे जी, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर एग्जाम में कॉपीराइट वाला क्वेश्चन बनेगा तो हर केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये ऑथर टू पब्लिशर वाला क्वेश्चन ना होता, अगर ये म्यूजिक कंपनी वाला क्वेश्चन होता, फिर तो 100% रिवर्स चार्ज ही लगता, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन था ही नहीं। बट इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ाओ, वो क्वेश्चन किस कह रही, ऑथर टू पब्लिशर वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो घबराने की बात नहीं है सर, गिरा हुआ क्वेश्चन है, गिरा हुआ क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। और क्या ये क्वेश्चन हम लिख के नहीं आ सकते? क्यों नहीं लिख के आ सकते? और अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना तो 5 में से 5 नंबर पूरे होने चाहिए, ये बात ध्यान देना। आपको पहले प्रोविजन लिख के आना है कि भैया रिवर्स चार्ज में कवर है। श्याम बिल्कुल सही है, पर अब श्याम जीएसटी पे, सॉरी, रिवर्स चार्ज पे करना है एचएसपी को। श्याम बिल्कुल सही कह रहा है, बट अगर एचएसपी जीएसटी पे नहीं कर रहा तो श्याम के पास ऑप्शन है कि वो जीएसटी पे कर सकता है, बट वो जीएसटी पे तब करेगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। तो अगर ये सारी बातें आप लिख के आओगे तो 5 में से 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब बताओ जी, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का क्लियर हो गया? लो जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हाट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, एनएए क्या होती है? अब एनएए को समझने से पहले ना, पहले हमें यह पता हो कि एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होती है, क्योंकि ना आधे से ज्यादा नालायक बच्चे हैं जिनको एंटी प्रॉफिटरिंग के बारे में पता ही नहीं है। सर, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज एक जीएसटी में गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था, और प्रॉफिटरिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई थी, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, एनएए। अब ये एनएए क्या होती है, उससे पहले यह पता हो कि प्रॉफिटरिंग क्या होती है। क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है? देखो, कुछ घंटे रह गए सीएस बनने में, नाम के आगे बस सीएस जुड़ने वाला है। सर, मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं जब मेरी पूरी फैमिली रिजल्ट देखेगी, पास लिखा हुआ आएगा, सब सीएस बनेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, सर अब मेरा नाम ना यतीन नहीं है, सीएस यतीन है। सर, कोमल नहीं है, मैं सीएस कोमल हूं। सर, अब मेरा नाम निकिता नहीं है, सीएस निकिता है। सर, अब मेरा नाम हर्षित नहीं है, सीएस हर्षित है। उस दिन मजा आएगा जब दो वर्ड आप सब बच्चे अपनी मेहनत से आगे जोड़ दोगे ना, देखना उस दिन आपको खुद अपने ऊपर कितना प्राउड फील होगा। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, मेरी पूरी फैमिली मुझे बताएगी, सोच समझ के बोलना जी। प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है जी? प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी। है सर, क्या होता है? मुनाफाखोरी। मुनाफाखोरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना, चोरीबाजी करना, ये बोलते हैं इसको धोखाधड़ी या मुनाफाखोरी, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिटरिंग। अब बच्चा ये बात कहता है, सर ये जीएसटी में कॉन्सेप्ट फिर क्यों आया? याद करो, मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज का, उसके अंदर मैंने कहा था कि जब जीएसटी आया, सर आज तो जीएसटी को आए अप्रोक्सीमेट 4 साल होने वाले हैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2021 को जीएसटी को आए, 4 साल हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट हमारे, 4 साल होने वाले हैं जीएसटी को। जब जीएसटी 2017 के अंदर बना था ना, तो पूरी मार्केट में एक न्यूज थी कि जीएसटी आने के बाद सामान सस्ता हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सामान सस्ता हुआ ही नहीं, सामान सस्ता हुआ है, सामान सस्ता एक्चुअल में हुआ था, बट जो सेलर है ना, जो उनको प्रॉफिट आपको देना चाहिए था, वो प्रॉफिट खुद हजम कर गए। ये रियलिटी बता रहा हूं सर, मतलब सप्लायर का जो जेन्युइन प्रॉफिट होना चाहिए था, उससे भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया, उन्होंने कस्टमर को नहीं दिया। बच्चा कह रहा है सर ऐसा किसने किया था? ऐसा हर पर्सन ने किया था, ऐसा हर पर्सन ने किया था। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो ये मार्कर है, मान लेते हैं आज हमारा 30 जून 2017 है, आज हमारा जीएसटी आया नहीं, 1 जुलाई 2017 से कल से जीएसटी आ जाएगा। प्लीज ध्यान सुना, कल से जीएसटी आ जाएगा। आप मेरे पास आए 30 जून को, मेरी मार्कर, मतलब मेरी मार्कर की दुकान है, तो आपने कहा सर एक ना मार्कर लेना है, कितने का मार्कर है? मैं कह रही मार्कर 20 रुपए का है।
अब इस 20 रुपए के मार्कर में ना, इस 20 रुपए के मार्कर में इस पे वैट भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्साइज ड्यूटी भी होगी, सेल करने पर वैट भी होगा और कई सारे और भी टैक्स होंगे, सारे टैक्स मिलाकर ये मैंने बोला जी मार्कर 20 रुपए का है, आपने 20 रुपए का ले लिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा हम सारे टैक्स हटा रहे हैं, हम जीएसटी लेके आ रहे हैं, और इस पे मार्कर पे जीएसटी गवर्नमेंट ने बहुत कम रखा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि मार्कर एजुकेशन में यूज होता है, एजुकेशन को हम महंगा नहीं करना चाहते, इसलिए मार्कर पे जीएसटी 5% है। अब सोच के बोला, जब ये 20 रुपए का मार्कर 30 जून को था, इसमें 5 रुपए का टैक्स था, और जब ये जीएसटी की बात करूंगा, इसमें मान लो सिर्फ 3 रुपए का टैक्स है। अब जो 2 रुपए का टैक्स कम हुआ, ये 2 रुपए मुझे किसको ट्रांसफर करने चाहिए, इसका फायदा मुझे कस्टमर को देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये फायदा कस्टमर को जाता तभी तो लोग खुश होते ना कि नहीं यार जीएसटी बहुत बढ़िया है, प्राइस कम हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने सोचा मैं फायदा कस्टमर को दू ही क्यों। अगले दिन आप मेरे पास आए, आपने कहा जी मार्कर देना, कितने का मार्कर है, मैं कह रही मार्कर 20 रुपए का है। आपने कहा सर मार्कर 20 रुपए का है, सुनने में आ रहा है कि मार्कर सस्ता हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं जी मार्कर 20 रुपए का है, कोई मतलब मार्कर का प्राइस तो सेम चल रहा है, कोई इसमें मतलब ऐसा जीएसटी आ गया, जीएसटी आने से कोई इसमें इतना कोई फायदा नहीं हुआ, 20 रुपए का ही मार्कर है। अच्छा अगर मैं कहता कि मार्कर 22 रुपए का है, आपको दिक्कत आती। जब मैंने बोला मार्कर 20 का है, क्या लगा आपको कि कल भी 20 का था आज भी 20 का है, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है। अब सोच के बोला आपको ये नहीं पता कि कल जब आप मार्कर लेने आए थे उसमें 15 रुपए मेरे थे, 5 गवर्नमेंट के थे, आज आप मार्कर लेने आए हो उसमें 17 रुपए मेरे हैं, 3 गवर्नमेंट के हैं, तो मैं 2 रुपए ज्यादा कमा गया ना। अब गवर्नमेंट कह रही है विवेक ये तू जैसे ही नालायक बच्चे हैं जिन वजह से पब्लिक हमारे अगेंस्ट हो गई, ये 2 रुपए का तूने प्रॉफिट क्यों कमाया। भाई तू पहले भी तो 15 में से प्रॉफिट कमाता था ना भाई, जब तेरे पास 15 रुपए पहले थे उसमें भी तेरा प्रॉफिट था, उसमें भी तेरा पेट भर रहा था भाई, तेरे छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब काम कर रहे थे ना। अब तू 2 रुपए ज्यादा क्यों कमा रहा है, और तू 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है, हमने 2 रुपए का बेनिफिट कस्टमर को देना तूने पास ऑन नहीं किया, इसको बोलते हैं प्रॉफिटरिंग, ये प्रॉफिटरिंग है सर। एक्चुअल में काफी सारी चीजों के गवर्नमेंट ने प्राइस कम किए थे जो सप्लायर ने कस्टमर को पास ऑन ही नहीं किए। जब सप्लायर ने पास ऑन ही नहीं किए क्यों नहीं किए, क्योंकि कस्टमर क्या बोलेगा जी, कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर तब बोलता ना अगर 100 रुपए का सामान 120 का होता, कस्टमर फिर चिल्लाता 120 का क्यों किया। जब 100 का सामान मैंने 100 में ही बोल दिया, या 100 वाला सामान मैंने 95 का बोल दिया जबकि होना चाहिए वो 90 का, मैंने 5 रुपए कम कर दिए, कस्टमर भंगड़े डाल रहा है, कह रहा 5 रुपए कम हो गए मेरे को तो फायदा हो गया जी। उसको ये नहीं पता भाई साहब 5 कम नहीं हुए, कम 15 रुपए हुए हैं, उसने 5 कम करके आपको पागल बना दिया। बट गवर्नमेंट कहती हमें तो पता ही नहीं लग रहा था। जब गवर्नमेंट को ये बातें पता लगी कि सप्लायर ये काम कर रहा है कि पब्लिक इसलिए परेशान है, मतलब पब्लिक कह रही है कि यार प्राइस कम नहीं हो रहा, प्राइस कम नहीं हो रहा, न्यूज में आ रहा प्राइस कम हो रहा, प्राइस कम हो रहा, यहां प्राइस कम नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। तो गवर्नमेंट को पता लगा ये जितने बड़े बड़े सप्लायर हैं ये आगे बेनिफिट जो है ये पास होनी नहीं कर रहे, ये आगे बेनिफिट पास होनी नहीं कर रहे, और जब ये बेनिफिट पास होनी करेंगे तो कस्टमर तो परेशान होगा ही ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिटरिंग, ये होती है मुनाफाखोरी। इस मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, इस मुनाफाखोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अथॉरिटी बनाई नेशनल लेवल पर, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। जैसे इनकम टैक्स में याद करो मेरे बच्चों, मेरे नोनू मेरे सोनू याद करो, सीधे बैठो बिल्कुल सीधे के बैठो, याद करो इनकम टैक्स में एक चैप्टर है गार का, दैट इज जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, ऐसे यहां पे है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। मतलब ये मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, ये मुनाफाखोरी को रोकने के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम क्या है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। बस ये बात ध्यान, सर ये क्या करेगी, ये क्या करेगी सर, ये अथॉरिटी ये पता क्या करेगी, ये उन सप्लायर को खोपचे में लेके जाएगी, ये मेरे से नलायकों को, मेरे को बोलेगी विवेक चल खोपचे में तू चोरी कर रहा है ना। मैंने कहा साहब मैं चोरी क्या कर रहा हूं, कह रहे तूने प्रॉफिट कितना दिखाया, मैं कहा 5 रुपए, कह रहे पहले कितना था 3 रुपए, कह रहे 2 रुपए ज्यादा क्यों कमाया, मैं कहा आपने रेट कम कर दिया, कह रहे रेट हमने इसलिए कम किया ताकि तू बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करे, तू तो खुद लेके बैठ गया, भैया ये तू काम गलत कर रहा है चल खोपचे में चल। मैं कह रहा मैं करूं क्या, कह रहे ये 2 रुपए का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर, ये 2 रुपए का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर, अगर तू पास ऑन नहीं करेगा फिर दोबारा तू पकड़ा गया, हम तेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आज ये अथॉरिटी उन लोगों की गर्दन पकड़ती है जो अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं,
जो अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं, देखो नॉर्मल बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट का, बात समझ में आती है, बट अगर एक्सेस बेनिफिट लोगे साहब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जीएसटी लाने का मोटिव ये था ताकि कस्टमर खुश हो जाए, ताकि मेन जनरल पब्लिक खुश हो जाए, उसको लगे कि हाँ भाई ये नया टैक्स आया है कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें फायदा उनका ही है, बट उनको लगा ही नहीं, फील क्यों नहीं हुआ हम लोगों की वजह से। और मैं एक एग्जांपल नहीं दे रहा सर, एक एग्जांपल नहीं, आज अगर आप गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट चेक करोगे, उस कमेटी की रिपोर्ट में आप देखना लोगों ने कितनी प्रॉफिटिंग की है। जो गाड़ियों के सप्लायर थे ना, जो गाड़ियों के सप्लायर थे, उन्होंने तो प्रॉफिटिंग कर करके जान ही निकाल दी थी। ये गाड़ियों के सप्लायर लाखों रुपए का अनड्यू बेनिफिट जो उनका बनता नहीं था, जो आगे पास ऑन कर रहा था, अपनी जेब में डाल के बैठ गए थे। और मैं आपको क्या बताऊं, अगर अभी आपने लास्ट ईयर कमेटी की रिपोर्ट चेक की हो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार ये लोग काम करते थे जीएसटी में, इन्हीं को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है अथॉरिटी ये वाली, कि जो लोग ये मुनाफाखोरी करते हैं, जो पीछे से गवर्नमेंट ने रेट कम किया, तुमने आगे पास ऑन नहीं किया, हम सोचे थे कि तुम पास ऑन करोगे, तुमने पास ऑन नहीं किया, हम तुम लोगों को पकड़ के लेके जाएंगे ताकि कस्टमर को लगे भाई हाँ हमने रेट कम किया था, इन्होंने बीच में गड़बड़ी मतलब गड़बड़ की है। तो देखो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, पहले समझ में आ गया प्रॉफिटिंग क्या होता है, प्रॉफिटिंग क्या होता है कि जो बेनिफिट आपको पास ऑन होना चाहिए था वो पास ऑन हुआ नहीं है। द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 171 ऑफ द सीजीएसटी, द एनए वॉज सेटअप किस लिए, टू मॉनिटर एंड द ओवरसी वेदर द रिडक्शन और बेनिफिट ऑफ आईटीसी इज रीचिंग द रिसिपिएंट बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट रिडक्शन इन प्राइस, मतलब क्या प्राइस आपके रिड्यूस हुए हैं, क्या बेनिफिट आप तक पहुंचा है, इसको देखने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें देख लो वही लिखी है जी, आप ये सारी बातें रीड करोगे, इसके अंदर यही लिखा है कि बेनिफिट पास ऑन हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जिसने नहीं किया उसको पकड़ो, उस पर इंटरेस्ट लगाओ, उस पर पेनल्टी लगाओ, उसको खोपचे में लेके जाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है जी। तो ये होती है आपकी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट ने बनाई है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो अभी तक दो क्वेश्चन हमने किए नहीं, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन ये तो बिल्कुल आसान था, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज भी है, ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज का भी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था जी। उसके बाद नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या होती है, मैंने आपको समझाया एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होती है, प्रॉफिटरिंग क्या होती है उसको रोकने के लिए जो अथॉरिटी बनी ये आपके सामने आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी, कैलकुलेटर उठा लो जी, जल्दी उठा लो कैलकुलेटर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या जी, मिस्टर मोहन, मोहन एंटरप्राइज हैड मेड सप्लाई ऑफ 5,50,000 टू बी एंटरप्राइज, मतलब मोहन ने बी एंटरप्राइज को सप्लाई की 5,50,000 रुपए की, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ जयपुर ऑन सच सप्लाई लेविड द टैक्स 10% ऑफ ₹55,000, मतलब 55,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द सप्लाई वो 66,000, उसके बाद जी पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस 5,50,000 वो कितने 15,000 रुपए के हैं, कह रहे सब्सिडी 25,000 रुपए वॉज रिसीव फ्रॉम एनजीओ ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स एंड द प्राइस 5,50,000 आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी सो रिसीव, मतलब इसमें सब्सिडी की एडजस्टमेंट हो चुकी है, डिस्काउंट एरी 1%, 1% किसका वॉज मेंशन ऑन द जो ऊपर प्राइस है उसका, वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल दो, मैं इसको छुपा रहा हूं जी, मैं यहां पे नहीं दिखाऊंगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो सर वैल्यूएशन का सेक्शन नंबर 15। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, अगर आप में से सारे बच्चे, अगर आप में सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए तो आपको याद आ रहा होगा, मुझसे नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी याद आ रहा होगा, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट टेंशन मत लेना मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं। याद करो वैल्यूएशन में 15 में 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-1 में 15-2 ऐड करोगे, 15-3 माइनस करोगे आपकी वैल्यू निकल जाएगी, 15-2 में 5 इंक्लूजन होती है, ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ उसको ऐड करना पड़ता है, ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ उसको ऐड करना पड़ता है, क्या म्यूनिसिपल टैक्स, क्या म्यूनिसिपल टैक्स हम वैल्यू में ऐड करते नहीं करते, यस करते हैं, ये 55,000 रुपए इसको पहले आप ऐड करोगे, और जो ये जीएसटी है इसको तो आप ऐड करोगे ही नहीं, इसका तो मुझे आईटीसी मिलेगा, और अगर मुझे आईटीसी मिलेगा तो मेरी कोस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पैकिंग चार्जेस वो कह रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं है तो 15,000 रुपए हमें ऐड करके दिखाने हैं। अच्छा अब ये सब्सिडी का मेन पॉइंट है, ये कह रहे हैं सब्सिडी जो है प्राइस में एडजस्ट हो चुकी है, सर मेरा क्लास में रेगुलर बैच में गलत गया था समझाते समझाते
कि अगर सब्सिडी वाले केस में एडजस्टेड वर्ड आएगा तो एडजस्टेड का मतलब है माइनस हो चुकी है। एक बात मैं सोच के बताओ, जब भी हमें कोई सब्सिडी मिलती है उससे प्राइस हमारा कम होता है ना, जब भी हमें कोई भी सब्सिडी मिलती है उससे प्राइस हमारा कम होता है। अब अगर प्राइस हमारा कम होता है, गवर्नमेंट कहती है हमें ये बताओ इस सब्सिडी से प्राइस कम होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कह रही वो कैसे पता लगेगा, कह रहे अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है तो 15(2) ये बात कहता है अगर तुमने माइनस करके दिखा दी है ये तुम्हें ऐड करके दिखानी पड़ेगी, क्यों हम ये सब्सिडी वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, याद करो 15(2) में, 15(2) में पांच इंक्लूजन में एक इंक्लूजन थी सब्सिडी वाली, उसमें लिखा था सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ऐड कब करेंगे, जब पहले आप माइनस कर चुके हो, और जब ये मुझे एनजीओ से मिली तो भैया गवर्नमेंट वाले केस में है नहीं, और वो साफ साफ कह रहे हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब इसका इफेक्ट आप डाल चुके हो, मतलब ये 5,50,000 पे ये जो प्राइस है ये सब्सिडी माइनस करने के बाद है, और क्या ये सब्सिडी हमें माइनस करनी चाहिए, आंसर इज नो। और जब ये सब्सिडी माइनस ही नहीं करनी चाहिए, जब ये माइनस ही नहीं करनी चाहिए हमें इसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लो जी, 55,000 पे ये ऐड करके दिखाने हैं, 15,000 पे ये ऐड करके दिखाने हैं, 25,000 पे सब्सिडी ऐड करके दिखाने, और डिस्काउंट आप 5.50 का 1% 5,500 माइनस करोगे, आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी 6,39,500 रुपये, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन गया इसमें मुश्किल है क्या सर, क्या मुश्किल है इसमें, बस 2 पॉइंट मुश्किल है, क्योंकि ना कई बार बच्चा गलती से गलती कराता है, CGST SGST ऐड कराता है, वो भूल के भी मिस्टेक मत कर देना, ऐड नहीं होंगे क्योंकि उसका हमें ITC मिलता है, जब ITC मिलता है तो हमारी कोर्स का पार्ट ही नहीं बनेंगे। और ये सब्सिडी वाला पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना कई नालायक बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर ये तो 55 ये जो 25,000 पे है ये तो इसमें कह दिया ना इन्होंने, इसका इफेक्ट डाल दिया, इसका इफेक्ट डालने का मतलब ये नहीं है कि ऐड कर दिया, ना 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 ना, मेरी फैमिली का बच्चा गलती से भी गलती मत कर देना। सब्सिडी वाले पॉइंट में जब भी एडजस्टेड वर्ड आएगा इट मींस माइनस करके दिखा दिए, सब्सिडी वाले पॉइंट में जब भी एडजस्टेड वर्ड आएगा इट मींस माइनस करके दिखा दिए, और सब्सिडी को छोड़ के जो बाकी पॉइंट होते हैं उसके लिए अगर एडजस्टेड वर्ड आएगा इट मींस वो इंक्लूड करके दिखा दिए, ठीक है। तो ये बातें मैंने क्लास में ना आपको डायग्राम से समझाई थी, अगर आपने वो 18 घंटे की GST की रिवीजन क्लास में अगर देखी होगी, जो प्रोफेशनल वाले बच्चे बहुत कम देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, और उससे बेस्ट रिवीजन क्लास कभी हो नहीं सकती थी, और उसके एडिशनल टॉपिक वैसे मैंने स्टूडेंट दरबार के अंदर डाले हैं, बट फिर भी मैंने आपको बोला है कि यार वीडियो के बाद मेरे को बता देना कौन कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, ऐसा मत कर देना कि पूरा GST, मैं दोबारा बोल रहा हूँ पूरा GST सर रिवाइज नहीं हो पाएगा, फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो GST के बेसिक टॉपिक हैं वो तो आप 18 घंटे की रिवीजन क्लास से भी कर सकते हो, जैसे मान लो ITC का चैप्टर है, वैल्यूएशन है, मान लो आपको फॉर एग्जांपल रिफंड का टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन है, मतलब जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मेजोरिटी होगी उसको मैं रिवीजन का शेड्यूल आपको बता दूंगा, उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। तो प्लीज मुझे अब सोच के बताना जी, अब जल्दी सोच के बताओ, अब जो यहाँ पे लिख दिया आफ्टर टेकिंग का मतलब क्या है, कि आफ्टर टेकिंग मीन्स एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, तो एडजस्टमेंट करने के बाद माइनस करने के बाद, अब ये माइनस नहीं करनी चाहिए इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है नी। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई नी, 6,39,500 रुपये ये आपकी वैल्यू आ गई, देखो लिखा भी हुआ है CGST SGST इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, उसका तो हमें IT से मिलता है, सब्सिडी सिंस रिसीव फ्रॉम ए नॉन गवर्नमेंट बॉडी वो हमें ऐड बैक करके दिखानी है, और डिस्काउंट ऑन द बेसिक प्राइस इन एन एक्सक्लूजन, मतलब जो लाइन और डिस्काउंट होता है वो बेसिक प्राइस का होता है, तो 5,500 रुपये आपने माइनस कर दिया ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारा क्लियर हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ जी अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो जी, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने आधा गलत दिया हुआ है आधा सही दिया हुआ है, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने आधा गलत दिया हुआ है आधा सही दिया हुआ है, क्यों ये मैं नहीं बताऊंगा ये आप मुझे बताओगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी, मिस्टर अरुण ऑफ आसाम प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, देखने से ही पता लग रहा है क्वेश्चन पुराना उठा के दिया जी, बात करें 18-19 की, अब क्या चल रहा है 2021, चलो कोई बात नहीं हम रेक्टिफाई करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, और फिर आपको डिटरमाइन करना है क्या वो एलिजिबल है कॉम्पोजिट स्कीम के लिए या नहीं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। अब पहली बात तो जब भी आप कॉम्पोजिट स्कीम की एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो ना,
तो आप सारी सप्लाई काउंट करते हो, सारी सप्लाई काउंट करते हो किसको छोड़ के, ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो काउंट नहीं होती, और जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो एग्जम्प्टेड वाला होता है वो काउंट नहीं होता, और बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी सेस वो भी काउंट नहीं होते, बाकी सारी आउटवर्ड सप्लाई काउंट होती है, चाहे वो इंट्रास्टेट हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे वो कोई भी हो। और ये क्वेश्चन पढ़ना, वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख रुपए की है, उसमें आउट ऑफ अबव 10 लाख वॉज इनकोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। आपने 18-19 में 50 लाख की सप्लाई की है, उसमें 10 लाख रुपए इंटर स्टेट भी है, तो क्या वो इंटर स्टेट काउंट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। ना 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 ना, बच्चा बोल रहा है सर इंटर स्टेट सप्लाई तो काउंट करते ही नहीं है, ये कहां से पढ़ा सर? मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया आपको, मैंने पहले भी कहा था कॉम्पोजिशन लेवी में जब भी आप टर्नओवर काउंट करोगे सारी सप्लाई काउंट करोगे, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, तो पूरा का पूरा 50 लाख रुपए काउंट करेंगे। उसके बाद जी वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी काउंट करते हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी काउंट करते हैं, बट अगर उसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट का जो पोर्शन होगा उसको बाहर निकाल देते हैं। अमेंडमेंट आई थी जी, अमेंडमेंट आई थी, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी है, अमेंडमेंट आई थी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला पोर्शन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर काउंट नहीं होता। अब देखो 70 है, उसमें कह रहे 30 लाख रुपए रिसीव हुआ एज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन लोन एडवांस, तो वो 30 लाख बाहर निकाल दो, इसमें 40 लाख रुपए के टर्नओवर काउंट होगी, तो 50 से काउंट होगा, 40 से काउंट होगा, 30 लाख बाहर निकाल दिए इंटरेस्ट डिस्काउंट वाले। फिर वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई विच इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये 5 लाख। अब ये आरसीएम वाली ये 5 लाख काउंट नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है 5 लाख, क्या एक्सपोर्ट काउंट करते नहीं करते? जल्दी बोलो, क्या एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट काउंट करते नहीं करते? बिल्कुल काउंट करते हैं, ये हो गया 5 लाख, टोटल टर्नओवर हमारी 95 लाख हो गई जी, टोटल टर्नओवर 95 लाख होगी। अब 150 लाख तक है जी, 150 लाख तक है, अब नई लिमिट क्या है, 150 लाख है ना, अब अगर 95 लाख है 150 लाख तक है, क्या ये एलिजिबल है या नहीं है? सर क्या ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है? आंसर इज यस एलिजिबल है, आंसर इज यस एलिजिबल है। आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते, और ये लाइन तो मैं कई बार बोल बोल के थक चुका हूं, प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, ऐसा आंसर ना ही दे तो अच्छा है। आप प्रोफेशनल में हो सर, याद करो मैंने क्लास में कहा था इंटर स्टेट सप्लाई कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद नहीं कर सकते। अब मेरी अगर पिछले साल की टर्नओवर 95 लाख है, तो पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है, तो इस साल मैं स्कीम ले सकता हूं ना। अब सोच के बोलना, आप कह रहे हो सर इंटर स्टेट सप्लाई करो, क्या पता मैं इस साल ना करूं, मैं अगर ये बोल दूं कि इस साल मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करूंगा तो क्या मैं एलिजिबल बन जाऊंगा? नहीं बन जाऊंगा, बिल्कुल बन जाऊंगा। क्या कह रहे हो, एजम्पशन लेनी पड़ेगी, तो आपको भी तो लेनी पड़ेगी, आपको भी तो लेनी पड़ेगी, जो आप कह रहे हो कि सर ये 95 लाख है फिर भी एलिजिबल नहीं बनेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो आपने ये एज्यूम ही किया ना कि इस साल भी वो करेगा। मेरे बच्चे आपने भी तो एज्यूम ही किया, उसने ऐसा कहां लिखा है कि वो करंट ईयर के अंदर भी इंटर स्टेट करेगा, क्योंकि ये टर्नओवर तो पिछले साल की दी हुई है। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रोफेशनल के बच्चे हो, कंसल्टेंसी देने वाले बनो, ये थ्योरेटिकली बातें मत पढ़ो, बुकिश नॉलेज के अलावा आपका दिमाग भी चलना चाहिए अच्छे से। दो एजम्पशन है, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं ये करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई करेगा, आंसर आएगा नॉट एलिजिबल। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं ये करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा तो ये पर्सन एलिजिबल बन जाएगा, बात खत्म। क्योंकि सर आप एक बार सेक्शन खोल के पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कॉम्पोजिशन लेवी वाला पर्सन वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो भी तो मुझे देखना है कि मुझे स्कीम लेनी है नहीं लेनी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं स्कीम लूंगा तो ये देख के ही लूंगा ना कि मैं इंटरस्टेट नहीं कर सकता। हाँ अगर स्कीम लेने के बाद इंटरस्टेट करूंगा फिर वहां से मेरी स्कीम ब्रेक हो जाएगी, बट पहले मैं सोच लूंगा कि मुझे इस साल इंटरस्टेट नहीं करनी, बट अगर मैं करूंगा तो स्कीम से बाहर हूं मैं पहले ही, चाहे टर्नओवर मेरी कुछ भी हो भाई, फिर तो मेरी टर्नओवर अगर 20 लाख भी हो तो भी मैं कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूं। तो देखो जी यहां पे आंसर में टर्नओवर देखो 95 आई है, उसने लिखा है इन द गिवन केस सप्लाई कर रहा है इंटरस्टेट, हेंस इट इज नॉट एलिजिबल। तो भैया इंस्टीट्यूट ने एज्यूम किया है कि वो करंट ईयर के अंदर भी इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, इसलिए उन्होंने नॉट एलिजिबल बोला है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, इसके दो आंसर बन सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में जो भी आंसर लिख के आओगे चाहे ये लिख के आओगे, एजम्पशन लिख के आना, एजम्पशन जरूर लिख के आना कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो करंट ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, इसलिए वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हो चुका है।
ठीक है। और जो बच्चा ये लिख के आ रहा है कि वो एलिजिबल है क्योंकि टर्नओवर 150 लाख तक है, तो आप ये एज्यूम करके आओगे कि वो करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है नहीं। तो ये इसका आंसर है जी, आपका 95 लाख आपकी टर्नओवर बन गई है, और 95 लाख आपकी 150 लाख तक होती है, और अगर टर्नओवर आपकी 150 लाख तक है तो ऑब्वियस बात है एलिजिबल है। क्या कह रहे हो, एक्सपोर्ट क्यों काउंट किया, एक्सपोर्ट तो काउंट करते ही है, याद करो सेक्शन 26 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, एग्जम्प्टेड हो, एक्सपोर्ट हो, सारी सप्लाई काउंट करते हैं, ठीक है। बस इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज वाली है वो काउंट नहीं करते, और जो कॉम्पोजिट स्कीम की अगर आप टर्नओवर काउंट कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला जो सप्लाई होती है वो भी काउंट नहीं करते, ठीक है। लो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, ओके है, डन है, फाइनल है जी। अब आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज ए प्योर एजेंट अंडर जीएसटी। प्योर एजेंट कौन होता है जीएसटी में? अब ये प्योर एजेंट कौन होता है जीएसटी में, ये आपने रूल नंबर 33 पढ़ा होगा जी, ये आपने रूल नंबर 33 पढ़ा होगा जीएसटी में। रूल नंबर 33 है प्योर एजेंट का, नाम से पता लग रहा है प्योर एजेंट, प्योर का मतलब सच्चा, प्योर का मतलब ऑनेस्ट, प्योर का मतलब जिसकी पूजा की जा सके। हैं सर, पूजा की जा सके, ऐसा इसने क्या कर दिया? क्योंकि ये एजेंट कमीशन नहीं खाता, ये एजेंट कमीशन ना खाने का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मैं सीए हूं, वैसे मान मत लो मैं सीए ही हूं, क्योंकि ना बच्चा कहेगा मान लो मतलब क्या, आप सीए नहीं हो, मैं सीए ही हूं, मैं सीए ही हूं, मैं सीए हूं जी, आप मेरे क्लाइंट हो, प्लीज सुनो, आप मेरे क्लाइंट हो और आप मेरे बहुत बढ़िया क्लाइंट हो, आप मेरे बहुत बढ़िया क्लाइंट हो, काफी टाइम से क्लाइंट हो, तो आप मेरे से मान लो कंसल्टेंसी की सर्विस लेते हो, तो कंसल्टेंसी की सर्विस मैंने आपको दी और आपसे मेरे कंसल्टेंसी के 50,000 रुपये चालीस बनते हैं, मतलब 50,000 रुपये हमारी सर्विस के। अब हुआ क्या, मैंने कहा आप, मैंने आपको फ़ोन किया, मैं कहा सर आपकी ना आरओसी की फ़ीस पे करनी है, कंपनी की आरओसी की फ़ीस जानी है, वो 10,000 रुपये की फ़ीस है। तो आपने मुझे बोला कि सर आप 10,000 रुपये की फ़ीस ना एक बार आप पे कर दो, मेरे बिहाफ पर आप पे कर दो, और मैं आपको 10,000 रुपये बाद में रिमबर्स कर दूंगा। मैं कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोच के बोलना, मैंने आपके बिहाफ पे काम किया, एक मैंने आरओसी की फीस जमा कराई आपके बिहाफ पे, एक तरह से मैं आपका एजेंट हो गया, नहीं हो गया? सर एजेंट यही तो होते हैं जो किसी के बिहाफ पे काम करते हैं। अब मैंने आपके बिहाफ पे आरओसी की फीस जमा कराई, क्या उस फीस के लिए मैंने कोई कमीशन चार्ज की? बिल्कुल भी चार्ज नहीं की। जो 10,000 रुपये की फीस लगी वही फीस मैं आपसे लूंगा, मैंने कोई कमीशन चार्ज नहीं की। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैं अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या वैल्यू मैं ये निकालूंगा 50,000 रुपये कंसल्टेंसी प्लस में 10,000 रुपये की आरओसी फीस, क्या वैल्यू मैं 60,000 निकालूंगा या वैल्यू 50 ही निकालूंगा? वैल्यू 50 ही निकालूंगा, क्योंकि 10,000 रुपये की वैल्यू तो मैंने आपके बिहाफ पे पे की थी, आपने रिमबर्स मुझे कर दी है, वो काम मेरा खत्म हो गया, जीएसटी 50 की वैल्यू पर लगेगा, 60 की वैल्यू पर नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान देना। ये जो 10,000 रुपये है ये मैंने लिए एज ए प्योर एजेंट, ये होता है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का मतलब ये होता है जो आगे फर्दर से कमीशन चार्ज नहीं करेगा आपसे, आपके बिहाफ पे काम करेगा, आपके बिहाफ पे काम करेगा, बट आपसे कमीशन चार्ज नहीं करेगा। आपको मैं दिखाता हूं जी, देखो जी क्या लिखा हुआ है, प्योर एजेंट एज ए पर्सन इंक्लूड्स ए फैक्टर ब्रोकर कमीशन एजेंट, उसके बाद आड़तिया, उसके बाद डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड हु कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। ए प्योर एजेंट अंडर जीएसटी इज डिफाइंड एज ए टैक्सेबल पर्सन हु, अब देखो जी, अब यहां पे वो कह रहे हैं जी, एंटर इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट इज प्योर एजेंट इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ, नीदर इंटेंड टू होल्ड नोर होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड सर्विस और बोथ, सो प्रोक्योर और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई डज नॉट यूज देयर ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विस और सर्विस सो प्रोक्योर, मतलब मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, मैं तो एक सच्चे दिल से काम कर रहा हूं, एज ए दोस्त नाते काम कर रहा हूं, मैं आपके आरओसी की फीस पे नहीं करता जी, मैं आपके आरओसी की फीस पे नहीं करता, आपसे मेरा रिश्ता नाता ही ऐसा है कि आप मेरे को अच्छे लगते हो, आप हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हो, इसलिए मैं भैया आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, नहीं तो मैं ये काम नहीं करता। तो देखो जी मैंने फिर क्या लिखा जी, रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विस इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड ऑन अकाउंट,
मतलब जो मैंने कंसल्टेंसी की सर्विस दी 50,000, उसके अलावा जो मैंने आपसे लिए वो वही एक्चुअल अमाउंट लिया जो मैंने दिया आगे, मैंने कोई कमीशन नहीं लिया आपसे। सर अगर मैं कमीशन, अगर मैं आरओसी फीस जमा करवाने की कमीशन ले लेता तो मैं प्योर एजेंट की कैटेगरी से बाहर हो जाता। तो आपके एग्जाम में ना कई बार, आपके एग्जाम में कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन बन चुका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर एजेंट। बच्चे को समझ नहीं आता कि प्योर एजेंट होता क्या है, और नाम ही अपने आप में डिफाइन कर रहा है, प्योर मतलब सच्चा, सच्चा एजेंट जो दूसरों के बिहाफ पे काम कर रहा है, उनसे कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहा, उनसे बस वही पैसे चार्ज कर रहा है जो उसके अपनी सर्विस के हैं। देखो जी यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, बहुत ध्यान से देखना जी। मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई। एक्स ने परचेज किया मिस्टर वाई से फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का, एंड रिक्वेस्ट मिस्टर वाई को रिक्वेस्ट की टू डिलीवर द सेम टू हिज ऑफिस, मतलब उसके ऑफिस तक पहुंचा दे। मिस्टर वाई हु हैज ए रिटेल फर्नीचर शॉप डज नॉट हिमसेल्फ अंडरटेक सर्विस ऑफ डिलीवरी, मतलब वो डिलीवरी की सर्विस नहीं देता। आप मेरी दुकान पे आए, मेरी फर्नीचर की दुकान है, आपने कहा जी फर्नीचर मेरे को पसंद आ गया, ये फर्नीचर मुझे चाहिए, कितने का जी? मैं कहा 1.5 लाख का। कहता सर इसकी डिलीवरी जो है आप मेरे वहां करवा दोगे, इसकी डिलीवरी आप मेरी दुकान पर करवा दोगे? मैं एक रिटेल शॉप वाला हूँ, मैं डिलीवरी नहीं करवाता। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, देखो जी क्या लिखा के, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मिस्टर वाई एग्री टू डिलीवर द फर्नीचर टू मिस्टर एक्स ऑफिस बाय हायरिंग ए ट्रांसपोर्टर। द एक्चुअल चार्जेस पेड द ट्रांसपोर्टर ₹10,000 वुड बी रिमबर्स बाय एक्स टू वाई। मैं कहा देखो जी 1.5 लाख का फर्नीचर है, 10,000 रुपये ये ट्रक वाला लेगा, 10,000 रुपये ये ट्रांसपोर्ट वाला लेगा, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिमबर्स कर दूंगा। मैंने आपके बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट वाला करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी साहब आपकी थी, क्योंकि मेरा काम डिलीवरी करवाने का नहीं है, बट मैंने करवा दिया, उसके लिए मैंने कोई कमीशन चार्ज नहीं किया। आप मुझे दोगे 1,60,000 रुपये, आप मुझे 1,60,000 रुपये दोगे तो क्या मेरे गुड्स की वैल्यू 1,60 है या 1,50 है? 1,50 है। 10,000 रुपये जो आपने मुझे दिए वो आपने उसकी मुझे रिइंबर्समेंट की है। देखो आगे क्या लिखा है, इन द अबव मेंशन एग्जांपल द अरेंजमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओनली फॉर द सेल ऑफ फर्नीचर 150। द अमाउंट पेड बाय वाई टू द ट्रांसपोर्टर 10,000 इज ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स विच वुड बी रिइंबर्स ऑन द एक्चुअल बेसिस एंड डिज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर अबव मेंशन एग्जांपल वैल्यू आपकी 1,50 बनेगी, 10,000 आपकी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे, आप जीएसटी 1,60 पे एप्लीकेबल नहीं करोगे, जीएसटी 1,50 पे एप्लीकेबल करोगे। देखो देयरफॉर इन द अबव मेंशन एग्जांपल इफ द अमाउंट पेड एक्स टू वाई एज रिइंबर्समेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्नीचर इज मोर देन 10,000। अगर 10,000 से ऊपर होता, मैंने कहा जी 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्टर है, 12,000 रुपये लूंगा जी, 12,000 रुपये लूंगा। अब मैंने क्या किया, 2,000 रुपये कमीशन खाली, 2,000 रुपये जीएसटी लगता। Then this would not be considered as a pure agent. In such case, amount paid would be included in the sale price of furniture. फिर ये 2,000 रुपये की जो कमीशन मैंने खा ली है ये वैल्यू में एड होता, बस ये पर ध्यान देना। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है जी, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आप सिंपल सी बात ये ध्यान दो, प्योर एजेंट मीन्स क्या होता है, जो आपके बिहाफ पे आगे काम करवाता है बिना कमीशन खाए, जिसका दिल सच्चा होता है, जिसका दिल शुद्ध होता है, जिसका दिल प्योर होता है, जो मतलब अपने काम के पैसे चार्ज करने से मतलब रखता है, थोड़ा बहुत उसने आपके अलावा कोई काम करवा दिया, वो जो उसने पैसे लिए, मैंने कहा साहब आप चाहे 10,000 पे कर दो, आपने कहा नहीं सर आप ही पे कर दो, मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा। तो मैंने एक्चुअल ही चार्ज किए, मैंने कोई ज्यादा पैसा चार्ज किया ही नहीं, ये प्योर एजेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया प्योर एजेंट, तो आप उसका मीनिंग लिख के आओगे, साथ में अगर ये एग्जाम्पल भी कोट करके आ जाओगे तो बताओ एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर क्यों नहीं देगा आपको? आप समझ पा रहे पेपर में कहां गलती होती है? सर ये सारे क्वेश्चन पेपर के ही हैं, और मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं हो जी, आप इंस्टीट्यूट के ऊपर आप छोड़ देते हो बस मैं नहीं करूंगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में दिक्कत आएगी जी, एग्जाम में दिक्कत आएगी। लो जी अब जाके चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा खत्म हो गया जी, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया जी। अब यहां से 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करना है। ये लो जी ये चैप्टर नंबर 4 हमारा है टैक्स ईयर रजिस्ट्रेशन का, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ईवे बिल, रिटर्न, रिफंड और कंप्लायंस रेटिंग। यहां से हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है, अब यहां से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा, यहां से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है जी, बट ये आर में स्टार्ट नहीं करवा रहा, क्यों? पहले मैं आपके कमेंट बॉक्स में चैप्टर देखूंगा कौन कौन से चैप्टर आपके रिवीजन के लिए आए हैं, ठीक है? अगर आपके
मतलब मुझे लगेगा कि कुछ ऐसे चैप्टर आए हैं जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हैं, तो पहले मैं उस चैप्टर की फिर रिवीजन करवा के फिर ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे रिवीजन क्लास का शेड्यूल मैं अलग लेके चलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, आज हमारा क्या है, आज हमारा मेरे ख्याल से वेनेसडे है ना, आज हमारा ट्यूसडे है, सॉरी आज हमारी ट्यूसडे है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास थर्सडे को आएगी, अब वो रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन क्लास होगी या क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। वैसे कोशिश मेरी अभी ये है कि पहले मैं क्वेश्चन ही कराऊं, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि पहले मैं रिवीजन के मतलब पहले चैप्टर की रिवीजन करा के फिर क्वेश्चन कराऊं उसके, या पहले मैं क्वेश्चन ही करवा दूं सारे फिर रिवीजन कराऊं, क्योंकि मैंने जून का टारगेट लिया था रिवीजन का और मैंने मई के अंदर कहा था कि मई में क्वेश्चन करेंगे जून में करेंगे रिवीजन, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर जून में लेट हो जाएगा, तो सर आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, सही बता रहा हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मुझे उस विश्वास पर खड़े भी उतरना है, ठीक है। तो आपने मुझे दो चीजें बतानी है, एक तो चैप्टर जो आपको लगता है कि रिविजन करवाना चाहिए, दूसरा पहले हम क्वेश्चन करें फिर रिविजन करें, या उन चैप्टर की पहले रिविजन करवा दूं, अब जहां रिविजन खत्म होगी उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन करा दूं, जैसे आप बोलोगे जी, ठीक है। क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ कि पहले रिवीजन फिर उसके क्वेश्चन, उनका ऐसे चल रहा है। आप मुझे बता देना कि पहले क्वेश्चन करने हैं फिर बाद में रिवीजन करनी है, या रिवीजन के साथ ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब ये मैं आपके कमेंट बॉक्स में यार वेट करूंगा और उम्मीद करूंगा सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये चैप्टर के आप क्वेश्चन पढ़ के आओगे, पहले 10-12 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सारे ही करने हैं सर, प्रैक्टिस मैनुअल का सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ के गए तो ये लगा लो एग्जाम में आपके नंबर गए, फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए जी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह, ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जगमगाते रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बाय बाय जी।